ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद आईपीएल में भी सूर्य कुमार यादव का बुरा दौर जारी है और सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान सामने आया है। सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस देखकर ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट जब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उनका वर्ल्ड कप टीम में जगह पाना अब मुश्किल है, तो रिकी पोंटिंग ने टीम इंडिया के मैनेजमेंट और बीसीसीआई को सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने की सलाह दी है। रिकी पोंटिंग ने सूर्य कुमार यादव के फ्लॉप शो पर कहा, दुनिया भर के क्रिकेटर जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या कर सकते हैं। उसके पिछले 12 से 18 महीने बेहद शानदार थे। मुझे लगता है कि उन्हें सूर्य कुमार यादव को टीम में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी आपको वर्ल्ड कप जीत कर दे सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा खिलाड़ी लगातार अच्छी बल्लेबाजी ना कर पाए, लेकिन ऐसे लड़के बड़े मोमेंट्स पर आपके लिए मैच जीत सकते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रेट एंड्रयू साइमंड्स किया करते थे। रिकी पोंटिंग ने सूर्य कुमार यादव का बल्लेबाजी क्रम बदलने की भी आलोचना की और कहा, मुझे लगता है कि उन्हें लगातार नंबर 5 पर बैटिंग करनी चाहिए और उससे नीचे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बेस्ट खिलाड़ियों को ज्यादा ओवर खेलने को मिलने चाहिए। बुरा दौर हर खिलाड़ी की जिंदगी में आता है और सूर्य कुमार यादव के साथ कुछ नया नहीं हो रहा। रिकी पोंटिंग सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप टीम में लेने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हकीकत ये भी है कि टीम इंडिया में टैलेंट की भरमार है और वक्त सूर्य कुमार यादव के हाथ से निकलता जा रहा है। क्या सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।